Hello students, how are you? Are you fine? I hope you all are fine at your home. Today we are going to learn our lesson number 3. The title of your lesson is Healthy Computer Practice. Healthy Computer Practice. In this lesson, I will सिखाने वाली हूँ कि हमको कंप्यूटर को कैसे रखना चाहिए हमको सेफ कैसे रख रहना चाहिए फिर हमको कंप्यूटर को क्लीन कैसे रखना चाहिए वो सारी चीज़ हम इस ये, ये चैप्टर में सीखेंगे वाई यूजिंग कंप्यूटर्स वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग थिंग्स हम जब कंप्यूटर का यूज़ करते तब ये थिंग्स का हमें ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट बी सेफ बी सेफ सेफ मीन्स सेफ्टी रखनी इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वो किससे चलता है इलेक्ट्रिसिटी से तो वहीं पे हमको क्या रहना चाहिए बी सेफ बी जेंटल बी जेंटल बी जेंटल इट मीन्स उसको इजीली हमको वर्क करना चाहिए इट इज़ अ डिलीकेट so इन uh, in your keyboard you pull you press the bang hard on the keyboard you press your key very hardly so here you can just take care of it वहीं पे आप खुद ध्यान रखना है कंप्यूटर की कि को ज़ोर से प्रेस करना नहीं है थर्ड ऑप्शन की पेट क्लीन उसको क्लीन करना है क्योंकि वो सेंसेटिव है उसके ऊपर सेंसिटिव डस्ट लगे हुए हैं, जो हमको पता भी नहीं है कि ये डस्ट कितने सारे मतलब प्रॉब्लमेटिक है कंप्यूटर के लिए तो उसको हमको क्लीन करना चाहिए कीप ए करेक्ट पोस्चर इट अफेक्ट योर हेल्थ मीन्स के हम हमारी हेल्थ के लिए अफेक्टिव है कंप्यूटर को दूर से देखना चाहिए वो सारे हमारी हेल्थ के लिए अफेक्टिव है तो हमें वो सारे ध्यान में रखने चाहिए शेर इक्वली इट इज फॉर एवरी वन इट इन योर क्लास रूम इन योर लैब इफ वन स्टूडेंट रिमेनिंग वन स्टूडेंट डोंट हैव एनी कंप्यूटर मतलब एक बच्चे को कंप्यूटर नहीं मिला है और दूसरे को मिला है लैब में तो आपको क्या करना चाहिए शेयर करना चाहिए उसके साथ शेयर करके ही आपको अपना वर्क करना चाहिए बी सेफ बी सेफ मीन्स यहीं पे आपको सेफ्टी रखनी चाहिए येस वन ऑफ द वायर इज प्लग इन टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट सो वी शुड बी केयरफुली मीन्स आपका कोई एक वायर है जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट में प्लग किया हुआ है तो वही टाइम पे आपको क्या करना चाहिए केयरफुल रहना चाहिए केयरफुल मीन्स काजी लेना चाहिए उसकी देर आर ए सो मैनी वायर्स अटैच टू दीपी यू मीन्स सीपीयू के साथ बहुत सारे वायर अटैच किए हुए अटैच मीन्स अटैच किए हुए वेरी गुड अ कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी अ कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कंप्यूटर किसकी मदद से चलता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जस्ट लाइक योर टेलीविजन जैसे कि हमारी टीवी चलती है ना वैसे ही कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रहा है सो इट इज इम्पोर्टेंट टू बी केयरफुल सो वहीं पर हमको उसकी केयर करनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ओके okay? तो बच्चो यहीं पे आपने सीख लिया बी सेफ मीन्स हमको इलेक्ट्रिकल सॉकेट की टच करना नहीं चाहिए बिकॉज दे ऑल आर अटैच विथ अवर सीपी एंड वी ऑल आर बी केयरफुल बिकॉज कंप्यूटर वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चल रहा है तो वहीं पे हमको क्या करना चाहिए केयर करनी चाहिए चलो नेक्स्ट मूव टू द अदर ऑप्शन आस्क द टीचर एवरी टाइम यू वांट टू टर्न कंप्यूटर ऑन ऑन और ऑफ इफ वायर हैज़ कम आउट आस्क योर टीचर टू पोट इट बैक इट मींस इन योर लैब इफ़ यू स्टार्ट योर कंप्यूटर सो दिस टाइम यू आस्क योर टीचर वो टाइम पर आपको अपने टीचर को पूछना चाहिए मैम कैन आई स्टार्ट एवर पी सी वैसे आपको अपने टीचर को पूछना चाहिए इफ़ अ वाहर हैज़ कम आउट आस्क योर टीचर टू पी टीट बैक इट मीन्स वही टाइम पे जब आप पीसी स्टार्ट करते हो वहीं पे कोई वायर है वो आगे आ गया है तो वो टाइम पे आपको अपने टीचर्स को बताना चाहिए कि टीचर उसको पीछे कर दो आपको खुद को करना नहीं चाहिए बिकॉज इट इज नॉट सेफ नेक्स्ट डू नॉट पुल और प्ले विथ ऑफ दायर कनेक्टेड दीपीयू मींस डू नॉट पुल और प्ले विद आनी ऑफ द वायरस कनेक्टेड टू दी पी यू मीन्स यहीं पर सी पी यू के साथ जो केबल कनेक्टेड है तो उसके साथ आपको प्ले करना नहीं चाहिए अगर हम वो वायर के साथ प्ले करते हैं तो वॉट हैपन वहीं पे हमको सॉक लग जाता है क्या लगता है सॉक तो हियर यू डू नॉट प्ले विथ वायर्स ओके नाउ नेक्स्ट डू नॉट पुट योर फिंगर्स इनटू एनी स्लॉट मीन्स आपको अपने फिंगर सी पी यू के स्लॉट में डालना नहीं चाहिए क्यों नहीं डालना चाहिए बच्चों बिकॉज वहीं पर हमको क्या लगेगा शॉर्ट लग जाएगा क्या लगेगा शॉर्ट लग जाएगा नेक्स्ट टॉपिक बी चेंटल सो दीस की आर सो ईजी टू प्रेस दिस कीज आर सो इजी टू प्रेस मीन्स आपको की को एकदम इजी से प्रेस करना चाहिए ये जेंटल प्रेसिंग ऑफ ईच की इज इनफ मीन्स हम की को एकदम जेंटली प्रेस करते हैं तो वो हमारे लिए गुड हैबिट है अ कंप्यूटर इज ए डेलिकेट मशीन कंप्यूटर कैसा मशीन है डेलीकेट मशीन मीन्स उसको आपको एकदम सॉफ्टली वर्क करना चाहिए एकदम धीरे से यूज करना चाहिए उसको हार्डली प्रेस करना नहीं चाहिए नेक्स्ट थिंग डू नॉट टू नॉट पुल द पार्स अवे फ्रॉम दे कंप्यूटर मीन्स के आपको अपने कंप्यूटर के पार्स को पुल करना नहीं चाहिए जोर से खींचना नहीं चाहिए वाई बिकॉज वो अपना कंप्यूटर के साथ अटैच किया हुआ है तो वहीं पर क्या होगा अपना एल सी डी बी नीचे गिर जाएगी तो दिस इज ए बैड हैबिट फॉर अस नाउ टू नॉट बैंग हार्ड ऑन द कीबोर्ड मैंने लैब में देखा है बहुत सारे बच्चे लैब में क्या कर रहे हैं कीबोर्ड को ऐसे ऐसे टक 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 कर रहे हैं बट वैसे बैंग करना नहीं है

क्लीन कैसा रखना चाहिए उसको क्लीन रखना चाहिए आई एम वेरी हंग्री आपको भूख लगी है कैन वी इट नाउ नो यू कैन नाट इट नियर बाई योर कंप्यूटर वॉट इफ समूड फोस ऑन दे कीबोर्ड इट विल बिकेम ए स्टिकी एंड स्टॉप वर्किंग अगर आप कंप्यूटर्स के साथ पास खाना खाते हो तो वहीं पे आपका जो फॉल्स है वो गिर जाता है फॉल्स मीन्स गिरना तो वहीं पे क्या प्रॉब्लम होता है अपना कंप्यूटर स्टिकी एंड स्टॉप वर्किंग हो जाता है मीन्स अपना कंप्यूटर वर्क करना स्टॉप कर देगा करेक्ट वो क्या बात है सही बात है नेक्स्ट कीप द कंप्यूटर एंड इट्स नियर बाय एरिया क्लीन हियर इन दिस पिक्चर यू लुक इट दिस गर्ल इज क्लीनिंग दे कंप्यूटर वो क्या कर रही है अपना कंप्यूटर को क्लीन कर रही है तो आपको भी क्या करना चाहिए बच्चों कीप द कंप्यूटर एंड इट्स नियर बाय एरिया क्लीन आपको भी अपना कंप्यूटर और उसका नज़दीक का जो पोर्शन है उसको क्या करना चाहिए क्लीन करना चाहिए ओके यू अंडरस्टैंड एवरी वन एवरी टाइम यू क्लीन इन योर लैब नियर बाय एरिया येस आई होप यू ऑल आर क्लीन कंप्यूटर नियर बाय एरिया एट स्कूल एंड एट योर होम नेक्स्ट इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस गर्ल इज कवर्थ कंप्यूटर क्या कर रही है वो कंप्यूटर को क्लोथ से ढक रही है कवर्थ कंप्यूटर वेन इट इज नॉट इन यूज़ तो दिस इज़ ए गुड हैबिट इट मीन्स जब अपना वक़ ख़त्म हो जाता है तब आपको अपने कंप्यूटर को क्या करना चाहिए ढक के रखना चाहिए क्यों ढक के रखना चाहिए बच्चों क्योंकि वो उसके ऊपर डस्ट ना लग जाए इसीलिए हमको उसको ढक के रखना चाहिए नेक्स्ट डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस बॉय इज इटिंग नियर द कंप्यूटर वो क्या कर रहा है कंप्यूटर के पास अपना खाना खा रहा है तो यहीं पर आपको क्या नहीं करना चाहिए डू नाट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर इट मीन्स आपको कंप्यूटर के पास खाना भी नहीं खाना चाहिए और पान ड्रिंक भी नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए बच्चों क्योंकि वो जो भी खाना खा रहे हम वो गलती से वहीं पे गिरता है तो वो कंप्यूटर की कीबोर्ड की कीज़ में चला जाता है कहीं पे मॉनिटर में चला जाएगा तो वो वर्क क्या होगा अपना स्लो हो जाता है और अपना पीसी स्टिकी हो जाता है गंदा हो जाता है नाउ दिस इज योर फोर्थ कीप ए करेक्ट पोस्चर इट मींस ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए ये पोस्टर वॉट विल हैपन इफ यू सीट वेरी क्लोज टू द मॉनिटर वॉट विल है मोनिटर आप अगर कंप्यूटर के पास नजदीक से बैठते हो तो क्या होता है बच्चों? आपकी आईज बिगड़ती है क्या होता है आपकी आईज बिगड़ती है और वहीं पे आप क्या नहीं कर सकते हो अच्छे से देख भी नहीं सकोगे वी विल नॉट बी एबल टू सी the स्क्रीन क्लियरली अगर हम कंप्यूटर के पास नज़दीक से बैठते हैं तो हम उसकी स्क्रीन क्लियरली नहीं देख सकेंगे क्यों क्योंकि अवर आइज़ विल स्टार्ट हटिंग हमारी आइज़ हटिंग हो जाती है मीन्स चपकारा बोलते हैं ना वैसे हो जाती है Yes, when you are using a computer, your posture is very important. Means आप computer के पास बैठते हो तो आपका sitting का posture means कैसे बैठना चाहिए वो important है आपके लिए Next, keep your chair at a proper height. And this picture you can easily see. This boy are sitting on the this boy is sitting on the chair, but his back side is bent. So this is a wrong manner to sit with nearby the computer. Here you can easily see this boy sit into the sorry this boy. अर बाई दे पी सी वेरी स्टेट एंड कीप दिस बॉय कीप ए प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनीटर मीन्स आपको कैसे बैठना चाहिए कंप्यूटर के और आपकी बैठने के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए डिस्टेंस मीन्स जगह रखनी चाहिए क्या रखना चाहिए जगह डिस्टेंस मीन्स थोड़ा सा गैप रखना चाहिए डू नॉट प्रेस फिंगर ऑन द माउस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुक इट इन दिस पिक्चर अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैप में अपना माउस यूज करता है तो वो अपनी फिंगर वहीं पे ही प्रेस करके रखते हैं तो वो करना नहीं चाहिए डू नॉट प्रेस योर फिंगर ऑन द माउस फॉर ए लॉन्ग टाइम मीन्स माउस के ऊपर अपनी फिंगर लॉन्ग टाइम रखनी नहीं चाहिए नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ शेयर इक्वली शेयर इक्वली

आपको गेम खेल देना चाहिए फिर बाद में आपके ब्रदर्स को देना चाहिए फिर वो अपनी सिस्टर को देंगे मतलब आपको क्या करना है कंप्यूटर को शेयर करके वर्क करना चाहिए जैसे कि लैब में आपको मैम बोलते हैं ना कोई बच्चे का पीसी बंद हो गया है तो मैम बोलते हैं बेटा सीट विथ अस उसके साथ बैठ जा अपने फ्रेंड के साथ तो वो टाइम पे आप अगर उसको पीसी नहीं दोगे तो क्या होगा उसका वर्क इनकम्प्लीट रहेगा तो वही पे आपको क्या करना है शेयर योर कंप्यूटर विथ योर फ्रेंड्स इट इज ए गुड इट इज अ गुड दैट यू आर टेकिंग टर्न इन यूजिंग दे कंप्यूटर वो बात कैसी है मतलब आप टर्न लेके कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो आपके फ्रेंड्स को भी दे रहे हो तो वो कैसी बात है इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट इन स्कूल यू नीड टू शेयर द कंप्यूटर्स विथ योर फ्रेंड्स आपको अपने स्कूल में भी अपना कंप्यूटर को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना चाहिए शेयर शेयर मीन्स उसको भी देना चाहिए उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए एवरीबडी शुड गेट एन इक्वल चांस टू लर्न एंड प्ले मीन्स सभी बच्चों को अपना इक्वल चांस है लर्न एंड प्ले उसको सीखने का और खेलने का सभी को इक्वल चांस है तो आपको क्या करना चाहिए शेयर योर कंप्यूटर विथ योर फ्रेंड्स कैसे करना चाहिए देखो यहीं पे लुक इट इन दिस पिक्चर टेक इन यूजिंग द कीबोर्ड द माउस जैसे कि दो बच्चे एक पीसी में वर्क करते लुक इट इन दिस पिक्चर तो आपको क्या करना चाहिए टेक अ टर्न इन यूजिंग द कीबोर्ड एंड द माउस मीन्स आपको वन बाय वन एक दूसरे को टन देना चाहिए कीबोर्ड और माउस का यूज़ करने के लिए आप दोगे ना घर पे भी अपना भैया है तो उसको दोगे ऐसे टर्न और स्कूल में भी अपने फ्रेंड्स को ऐसे टर्न देना चाहिए नेक्स्ट मेक रूम फॉर योर क्लासमेट्स वाइल दे आर यूजिंग कंप्यूटर मीन्स आपको अपने फ्रेंड्स को भी कंप्यूटर शेयर करना चाहिए नेक्स्ट देखो लुक इट इन दिस पिक्चर वॉट हैपन द कंप्यूटर म्यूजिक साउंड इज़ वेरी फास्ट सो इट इज़ अ डिस्टर्ब फॉर दिस बॉय इट इज़ अ डिस्टर्ब फॉर दिस बॉय वहीं पे ये बॉय को क्या होता है डिस्टर्ब क्यों क्योंकि यहीं पे आपका स्पीकर का वॉल्यूम्स जो है फास्ट है तो किसी को क्या होगा डिस्टर्ब तो ऐसी चीज़ आपको करनी नहीं चाहिए टू नॉट डिस्टर्ब अदर्स बाय प्लेइंग लाउड म्यूजिक मीन्स आपको दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बाय प्लेइंग लाउड म्यूजिक मीन्स आपको ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक स्टार्ट करके एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इट इज़ ए टाइम फॉर यू टू गो होम ये टाइम क्या है अभी आपको घर जाने का वी विल लर्न हाउ टू यूज द माउस अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे माउस को कैसे यूज़ करना है सो so, बच्चों ये टॉपिक में आपको समझ में आ गया फर्स्ट टॉपिक था आपको बी सेफ मीन्स कंप्यूटर के साथ आपको सेफली वर्क करना चाहिए बी जेंटल मीन्स उसके कोई पार्ट्स को आपको पुल अप पैंग करना नहीं चाहिए थर्ड स्टेप कीप इट क्लीन मीन्स कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आपको क्या करना चाहिए क्लीन रखना चाहिए आपका स्टेप फोर था कीप ए करेक्ट पोशर मीन्स जब भी आप कंप्यूटर पे बैठते हो तो आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो डिस्टेंस के साथ बैठना चाहिए आपका स्टेप फाइव था शेयर इक्वली मीन्स आप जो भी वर्क करते हो तो एक दूसरे को टर्न देके लर्न और प्ले करना चाहिए ओके बच्चों सो यू कैन अंडरस्टैंड हेयर आपको यहीं पर सब कुछ समझ में आ गया आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सो थैंक्स हैवे नाइस डे इफ़ यू लाइक सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स हैवे